तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है, ये इट्स बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन। हम कौन हैं और हम क्यों हैं यहाँ पे, और क्या उम्मीद, मतलब क्या गोल है हमारा। तो बस मेनली ये इंट्रोडक्शन व्लॉग है। क्यों ये किया, क्योंकि थैंक यू, आपने 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट किए, तो इस खुशी में मैंने सोचा कि चलिए एक इंट्रो ब्लॉग देते हैं, ताकि आपसे कनेक्ट करने का एक स्टेप और कनेक्शन आपसे बढ़े। तो हम कौन हैं और कहाँ से हैं और क्या करते हैं, चलिए सब आपको बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनय जायसवाल। और मेरा नाम है अमृता। मैं हूँ रांची झारखंड से। और मैं हूँ बिहार से, और हमारी शादी को हो गए हैं 6 साल, और 6 साल से हम लोग बैंगलोर में रह रहे हैं। ये मैं 2010 से बैंगलोर में रह रहा हूँ। और आईटी में आईटी फील्ड में मैं बेसिकली काम करता हूँ, और इसीलिए मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ पिछले अराउंड 2010 से, मतलब पिछले 13 साल से। मैं शादी के बाद यहाँ पे बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ। इसके पहले मैं हैदराबाद में जॉब करती थी, और मैं एज अ प्रोफेशन एक लॉयर हूँ, और मैंने 3 से 4 साल नौकरी की है। बट आफ्टर शौर्या हमारा बेटा है, जो कि 4.5 साल का है, तो मेरा जॉब उसके आने से पहले मैंने छोड़ दिया था, कि मैं उसका टेक केयर ज्यादा अच्छे से कर सकूं और ज्यादा ध्यान दे पाऊं उसके ऊपर। तो ये मेरा एम था, और मैंने नौकरी किया है 3 से 4 साल, और बैंगलोर में भी नौकरी किया है। बैंगलोर में भी नौकरी किया है शौर्य के होने से पहले तक। तो ये मतलब मैंने प्रोफेशनल उसको भी किया है, और घर को भी। अब घर में मैं अब मेनली हाउस वाइफ हूँ, हाउस होम मेकर हूँ। हाउस वाइफ तो पिछले 6 साल से हूँ, बट होम मेकर मैं बनी हूँ पिछले 4 साल से। तो बस बेकर, होम बेकर। होम बेकर भी हूँ, और मैं मतलब मुझे बेकिंग अच्छा लगता है। तो मैंने कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के टाइम ये सीखा था ऑनलाइन, और मैंने इसको पिछले सोसाइटी में से स्टार्ट किया था, और इस सोसाइटी में भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और हम लोग मैंने इस यूट्यूब चैनल को क्यों स्टार्ट किया, इसका रीजन ये है कि मैं चाहती थी कि मैं जो कर रही हूँ एज अ हाउस वाइफ, बच्चे को संभालना, घर को संभालना, और क्या उसमें प्रॉब्लम्स होता है, और क्या उसका स्ट्रगल है, और क्या उसमें मतलब बोलते हैं ना कि चैलेंजेस हाँ चैलेंजेस है, उसको आपको दिखाना। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी खराब सिचुएशन में हैं, जो नौकरी भी कर रहे हैं, बच्चा भी संभाल रहे हैं, घर भी देख रहे हैं। तो मैंने तो खैर नौकरी छोड़ दिया था। मैं चाहती थी कि मैं पूरा केयर करूं अपने बच्चे को, और उसको अच्छा से केयर करूं। अभी फिलहाल अभी भी मैं नौकरी नहीं कर रही हूं, और YouTube से आपसे जुड़ने का एक मौका मिलता है। आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ अपना पर्सनल लाइफ, आपके एक मतलब कि एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपना शेयर करने का मेरा इच्छा था, कि आपको दिखाना कि किस तरह से आप अपने लाइफ को हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस होते के बावजूद भी, मतलब बच्चा को भी संभालना है, बच्चा को अच्छे से टेक केयर करना है, और घर भी संभालना है। तो ये सब सब मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूं, कि मैं किस तरह से अच्छा से कर रही हूँ। आई होप कि मैं अच्छा से कर रही हूँ, और आपको भी इस चीज से मोटिवेट करूँ। मेन रीजन है मोटिवेशन का इस व्लॉग बनाने से। और आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, शेयर करिए, करते रहिए। आप अच्छा वीडियो सुना रही हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियोस। हाँ, और हमारा इंटरेस्ट, हम मतलब हम लोग मेनली हमारा क्या दिनचर्या रहता है वो मैं जनरली दिखाती हूँ। इनका जैसे आप ये खुद ही बताएंगे कि क्या इनका डेली का दिनचर्या रहता है। मेरा दिनचर्या ऑफिस वाले दिन तो काफी बिजी रहता है, ऑफिस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। उसके बाद जब ऑफिस आवर्स मेरा ख़त्म हो जाता है, तब मुझे फिटनेस और हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन जिम जाऊँ और अपना वर्कआउट और फिटनेस शेड्यूल मेंटेन रखूँ, कि
इवन फिटनेस के बारे में मुझे नॉलेज भी है, मैंने कुछ सर्टिफिकेशन और कोर्सेज और थोड़ा कोचिंग भी किया है, तो ये एक मेरा अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है अपार्ट फ्रॉम माई रेगुलर IT जॉब। उसके अलावा वीकेंड्स पे थोड़ा घूमना फिरना ये सब पसंद है हमें, हम बैंगलोर के अराउंड या कभी हो सकता है तो दूर ट्रैवल भी करते हैं जब भी पॉसिबल होता है, तो ये सब हमारा इंटरेस्ट है। हाँ, और जब भी ट्रैवल करते हैं आपको जरूर दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल हमने रिसेंटली हम लोग येलागिरी गए थे, तो आप लोग ने पसंद किया, तो थैंक यू। और लास्टली ये कहना चाहूंगी कि हम मेरा ये मतलब हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, और सबको 2024 का शुभकामनाएं, आपका साल मंगलमय हो, और हम भी हमारा भी कुछ एम है, हमारा भी कुछ गोल्स है जो हमने सेट किया है अपने लिए, ताकि बिना गोल के तो कुछ हो मतलब कुछ बिना किसी एम्बिशन के तो ऐसे लाइफ मतलब एक चलना होता है, लाइफ काटना होता है, एक होता है लाइफ को अच्छे से मतलब इंजॉय करते हुए करना। तो हमने भी कुछ अपना गोल्स बनाया है, और मैंने भी कुछ अपना, इन्होंने अपना बनाया है, हमने मैंने अपना बना है, और एक ओवरऑल एक गोल होता है एज अ फैमिली गोल, तो वो सब सेट किया है। और होप करती हूँ कि आपका ये साल अच्छा रहेगा, और थैंक यू अगेन 500 सब्सक्राइबर के लिए। तो ये एक इंट्रो ब्लॉग मेनली आपके लिए है, ताकि आपने मुझे मतलब क्या बोलते हैं, सपोर्ट हाँ, सपोर्ट किया। 500 सब्सक्राइबर हुए मेरे, और उस मेन उसके लिए था ये इंट्रोडक्शन ब्लॉग। होप करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय। बाय।